भारत में बनने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े हुए कुछ नए और बड़े अपडेट्स सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में, लैंड एक्विजिशन, इसी के साथ में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि है वो हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो इस वीडियो में हम सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और अगर हम बात करें भूमि अधिग्रहण के बारे में, तो सिर्फ 80% भूमि अधिग्रहण किया गया है गुजरात के अंदर, जिसके लिए लगभग 7027 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जहां पर रिसेंटली आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो 13 अक्टूबर 2021 तक गुजरात में 97.6% भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गति धीमी पड़ी हुई है, वहां पर केवल 31% भूमि अधिग्रहण किया गया है, लेकिन ये कुछ समय पहले सिर्फ 20-25% था। तो इससे ये चीज क्लियर है कि महाराष्ट्र के अंदर भी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन काफी स्लो तरीके से हो रहा है। और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करें तो दादरा नगर हवेली में सिर्फ 100% भूमि का अधिग्रहण हुआ है, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 100% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका हो। और अब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि इस प्रोजेक्ट को आखिर कब तक चालू किया जाएगा। तो 2017 में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई थी और तब से ये प्रोजेक्ट डिले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई थी तो एक फाइनल डेट यानी 2023 निकाली गई थी कि तब तक इस बुलेट ट्रेन परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन रिसेंटली आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो रेल मंत्रालय ने एक फाइनल डेट जारी की है जहां पर 2026 तक सूरत और बिलोमोरा के बीच में पहला चरण चालू किया जाएगा। तो अगर ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पर लगभग 5 साल पूरे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और ये बहुत बड़ी दूरी नहीं है। सूरत और बिलमोरा के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि NHSRCL ये दावा करती है कि 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रेन्स को इंडिया में लाने तक और सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने तक 2025 तो ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो ये थे भारत की चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स, जो चीजें हमने आपको प्रूफ के साथ आर्टिकल के साथ दिखाई हैं। यहाँ पर अपना पर्सनल कोई भी ओपिनियन आपको नहीं दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।